नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। देखो, मैं मेरी बालकनी में आई थी कि मैं मेरे प्लांट्स को थोड़ा ठीक करूं, और मैंने कुछ सामान मंगाया है वो भी मुझे अरेंज करना था। बट इतनी ज़ोर से आंधी चल रही है, आप लोग शायद आवाज़ समझ पा रहे हो, नहीं पता नहीं, बहुत तेज़ आंधी चल रही है। इतनी तेज़ आंधी चलने की वजह से सब हिल रहा है, और क्योंकि मेरा बेटा घर पे है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी को उड़ के कुछ लग जाए तो मैं खाली थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आंधी का बहुत असर आ सकता है उनको थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर दूँगी, थोड़ा प्रोटेक्ट कर दूँगी। जैसे ये देखो, ये सिंगोनियम को ज़्यादा तेज़ हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही हूँ। ऐसे ही तुलसी जी का पौधा है, उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और ये कटिंग्स लगाई थी कोलियस की, जितनी भी चली, बट इनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और ये गमला है जो खाली है, तो इसको मैं से ये डायंथस का बहुत हिल रहा था, उसको हवा ज़्यादा हो रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। मतलब एक शील्ड जैसा हो जाएगा जिससे हवा पौधों को कम लगेगी। तो अब वो तो मैं कर नहीं पाई, पर मैंने कुछ सर्क्यूलेंट्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन स्टोर से। तो ये देखिए, ये इंग्लिश आईवी है, ये ऐसे आते हैं यहाँ से बेयर रूट आटे, मतलब वो रूट ऐसे खुली हुई होती है, उसको बाद में आपको प्लांट करना होता है। और ये है बेबी सनरोज़ का प्लांट, ये आपको अभी ऐसे लग रहे काफ़ी मुरझाए हुए, इसको मैं थोड़ा एक दिन खोल के रख दूँगी, काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं काफ़ी मंगाती हूँ ये वेबसाइट से। तो अगर आपको चाहिए कौन सी वेबसाइट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उससे बताती हूँ। ये एक कलांचो है, हाइब्रिड कलांचो, और ये येलो कलर का फ्लावर है, और ये ओथोना केपेंसिस रूबी नेकलेस ऐसे करके कुछ ऑर्डर किया था, जो मैंने वेबसाइट पे देखा था वो पूरा रेड कलर के उसके सक्यूलेंट से, बट ये आई डोंट नो ऐसा क्यों आया है, शायद उन लोग ने गलत भेज दिया है, पता नहीं यार। ओके, चलो, ये है वेरीगेटेड बेबी सनरोज़। मुझे बेबी सनरोज़ मैं ढूंढ रही थी और फिर मुझे वेरीगेटेड दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो दोनों मंगा लेते हैं। पहले मुझे लगा था ये वाला वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ है, फिर मैंने उसको देखने के बाद इसकी लीव ध्यान से देखी तो नहीं, ये इंग्लिश आईवी है। वेल, देखते हैं। अब ये सब है ना, इनकी जड़ें ऐसी और काफ़ी ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ना एक रात के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा पानी, वैसे तो वो लोग एडवाइस नहीं करते हैं, बट मैं थोड़ा सा पानी छिड़क के थोड़ा इनको ऐसे रख दूँगी ताकि ये थोड़ा हवा में आके खुले। मैंने ये ऑर्डर किया था शायद सैटरडे या संडे को, तो इसको आने में 3-4 दिन लग गए। अब 3-4 दिन में इनका थोड़ा सा ये मुरझा गया लग रहा है मुझे। पिछली बार इतने मुरझाए नहीं आ रहे थे, बट आज थोड़े से आए हैं। खैर, आप बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।